हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो सबसे पहले आप सबको राखी की बहुत बहुत बधाई हो। बच्चों की जिद है इस बार कि राखी का व्लॉग उनके ही चैनल पे आएगा, तो इसीलिए मैं राखी से एक दिन पहले व्लॉग अपलोड कर रही हूँ ताकि मैं भी आपको विश कर सकूँ। और सबके लिए दुआ करती हूँ कि भाई बहन के रिश्ते में प्यार की मिठास यूं ही बढ़ती रहे। तो चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत, और दिन की शुरुआत कर रही हूँ ब्रेकफास्ट के साथ। और ब्रेकफास्ट में आज मैं बना रही हूँ वेजिटेबल सैंडविच। बारीक चॉप्ड की गई कुछ वेजिटेबल्स के साथ मैं पनीर भी ऐड करूंगी, और पनीर की खुशबू देख के स्टफी पहले ही वहाँ बैठ जाता है। वेजिटेबल सैंडविच में आप मन चाहे वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। आजकल गाजर वगैरह नहीं होती ना, तो गाजर भी क्रश करके डाल सकते हैं। तो अभी के लिए मैंने सिर्फ इसमें प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च डाली है, और साथ ही क्रश करके थोड़ा सा पनीर डाल दिया है। थोड़ा सा डालेंगे इसमें नमक और पिज्ज़ा सीजनिंग, साथ ही मैंने इसमें थोड़ी सी मेयोनीज डाली है। अगर आप मेयोनीज नहीं डालना चाहें तो आप पानी निकला हुआ दही भी डाल सकते हैं, क्योंकि मेयो के कंपैरेटिव दही ज़्यादा हेल्दी है। उसके बाद ब्रेड स्लाइसिस पे आपको थोड़ा सा बटर अप्लाई करना है, उसके बाद वो फिलिंग डालते जाना है। अब आप चाहें तो इसको दो स्लाइसिस के साथ भी बना सकते हैं, और चाहें तो तीन स्लाइसिस के साथ भी बना सकते हैं। फिलिंग करने के बाद आप इसको तवे पे सेक लें, या फिर आप सैंडविच मेकर में जैसे आपका मन करे। तीन स्लाइसिस वाला सैंडविच तवे पे बनाना ही ज्यादा इजी रहेगा। पापा मम्मा को कुलदीप जी के साथ किसी काम से बाहर जाना था, तो सबसे पहले मैंने उनको ब्रेकफास्ट दे दिया ताकि वो अपना आराम से निकल जाएं। बच्चों का आज ऑफ है, थोड़ा आराम से नाश्ता करेंगे, तो मैं भी उनके साथ ही कर लूँगी। अप्रॉक्सीमेटली एक हफ्ता हो गया है रोज रात को ब्रश करते हुए। वाओ, वेरी गुड। टेस्ला जो है वो रोबोट बना रहा है। मतलब ये है कहने का कि टेस्ला कंपनी रोबोट बना रही है और फिजिकल वर्क जो है बिल्कुल जीरो कर देंगे। उन्होंने कहा है कि फिजिकल वर्क ऑप्शनल होगा। हमारी जो जनरेशन है वो काम करना प्रेफर नहीं करती, मतलब फिजिकल वर्क करना ज्यादा प्रेफर नहीं करती, ठीक है। टेक्निकल वर्क है वो ज्यादा होता है। तो आगे जो तुमसे आगे जनरेशन आएगी या उससे भी आगे जो जनरेशन आएगी, वो ऑब्वियसली वो फिजिकल वर्क बिल्कुल नहीं करना चाहेगी। जरूरी नहीं होगा करना फिजिकल वर्क के लिए। फिजिकल वर्क जनरेट किससे होता है? कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट से। हमारी जब थर्ड जो हमारी एट जनरेशन आएगी 300 साल बाद, वो डेवलप्ड होगी, उसे डेवलपमेंट की जरूरत नहीं होगी। सेल्फ हीलिंग मेटल्स, उनको रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, वो खुद हो जाते हैं रिपेयर अपने आप। तो वो भी चलो निकल गया, क्या रह गया उसके बाद? अब होता है जो डिजास्टर्स से चेंज होता है, जो कम्प्लीटली कंस्ट्रक्शन को उड़ा देता है। अब मशीन्स बन रही हैं जो कि नेचर को कंट्रोल कर सकती हैं, अपने हिसाब से वेदर को चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। तो वो भी निकल गया, नॉट अ रिक्वायरमेंट एनीमोर। वो तो है ही है, और हमारे एम्स ही यही थे स्टार्टिंग से। पॉपुलेशन जो है वो एक्सट्रीमली ज्यादा हर रोज बढ़ रही है। ऑब्वियसली हमें डेवलप होने में उतने ज्यादा में कि उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग बाहर जाना प्रेफर करते हैं। हमने पैसा लगाया, उसका हाफ भी नहीं हमें मिलता, उसका 1/4 भी हम नहीं कमा पा रहे हैं। तो इससे बेटर है कि अगर हमारी वैल्यू बाहर, तो हम बाहर चले जाएं। जबकि वो चलो वो चीज ठीक नहीं है, मैं खुद नहीं गई बाहर। जैसमिन को काफी फोर्स किया था प्लस टू के बाद जाने के लिए। मेरा भी यही पॉइंट था कि यार देखो, अगर हमने सारे रिसोर्सेज जो हैं वो अपने इंडिया के यूज किए हैं, तो हम बाहर जाकर उसको प्रोडक्ट क्यों दें? हम यहीं पे देंगे ना यार, ताकि हमारी ही जो इकोनॉमी वो ही डेवलप हो। अगर हमने लेना यहाँ से और देना बाहर, तो उसको क्या फायदा? हर कोई ऐसा नहीं सोचता ना, सबको अपने बारे में भी सोचना है ना। डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, डेवलपमेंट होती जरूर जा रही है, बट आप देखोगे अगर हेल्थ वाइज देखें तो लोगों का ग्राफ काफी नीचे है। इतनी सारी डिसीजेज पहले के टाइम में नहीं हुआ करती थी जितनी अब होती है, और आप नई नई बीमारियां देख रहे हो। वो सब इसी वजह से है क्योंकि एक्टिविटीज बहुत कम हो गई है, फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। जो लेबर वर्क है वो रोबोट वो खत्म करेगा। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक्सरसाइज करना बंद करना है, अपने आपको फिट रखना बंद करना। हाँ, वो आपको करना ही पड़ेगा। कोविड की वजह से ना लोग थोड़ा हेल्थ केयर अब जाने लग गए। कोविड में लोगों की एक्चुअली इम्यूनिटी चेक भी हो गई, आप कितनी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी कैरी कर रहे हो। काफी लोगों को काफी ज्यादा बीमार किया और कुछ लोगों को बिल्कुल इफेक्ट नहीं हुआ। तो उदय क्या प्लान है फिर, राखी का क्या गिफ्ट दे रहा दीदी को? आई डोंट बिलीव इन गिफ्ट्स, प्यार देने के मामले में प्यार लेता भी नहीं है क्या? नहीं, गिफ्ट्स नहीं लेता। दे दो मुझे अपना। मैंने अब इसको
दिया है वो मैं वापस ले रही हूँ, थैंक यू सो मच। दी गई चीज वापस नहीं ले रही थी। देखने अभी ऑफिशियली तेरे को मिली नहीं कि राखी अभी हुई नहीं है। स्विन अपना पार्ट प्ले कर चुकी है, जल्दी होती है बहुत की। हाँ मुझे जल्दी नहीं, एक्चुअली मैंने ऑर्डर किया थोड़ा थोड़ा लेट आएगी वो चीज, पर वो जल्दी आ गई। हाँ तो फिर और पकड़ने भी यही गया था। किसी का भी पार्सल आया हो इसको सबसे पहले खोल के चेक करना कि इसमें क्या है। उदय जा रहा है अपना गिफ्ट लाने जो जैस्मिन ने उसको दिया है। बिल्कुल सही बात है। और उदय को ज्यादातर बेल्ट का शौक है, टाइज का शौक है, वॉचेस का शौक है, सॉक्स का शौक है। बता दिया उसने क्या है। तो ये है जैस्मिन ने जो गिफ्ट दिया है उदय को, सॉक्स हो की सॉक्स गिफ्ट किया क्योंकि उसको सॉक्स वगैरह वॉचेस वगैरह का बहुत शौक है। तो इस बार जैस्मिन ने उसको गिफ्ट किया है सॉक्स हो की सॉक्सेस है। गाइस बहुत अमेजिंग। उदय आर यू हैप्पी? बहुत ज्यादा क्योंकि ये ऐसी सॉक्सेस उदय ने पहले कभी नहीं पहनी है क्योंकि डिजाइनर सॉक्सेस है। और ये सॉक्स प्लास्टिक के पैकेट में आती होती है, कलर लिखा होता है ब्लैक व्हाइट, ये वैसी नहीं है, इनके नाम है, इनके सबके अलग अलग नेम्स है। क्लासिक ब्लैक एडिशन, द जेंटलमैन एडिशन, प्रीमियम ब्रांड की सॉक्स है, डिजाइनर सॉक्स है। चाहे फिर आपका स्टाइल क्लासिक है, फंकी है या फिर कैजुअल है, आप किसी भी तरह से इसको वेयर कर सकते हैं। तो ये लग्जरी सॉक्स कॉम्बैट कॉटन और स्कॉटिश कॉटन से बनाई जाती है, बहुत ही कम्फर्टेबल कॉटन, आपके पैरों को काफी आराम मिलता है इससे। जैस्मिन ने मेरे साथ डिस्कस किया था कि मम्मा ये मैं इस बार सॉक्स देना चाहती हूँ, और जब इसने सर्च किया इसके बारे में पता चला कि बहुत सारे बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और टॉप कंपनीज के सीईओ सॉक्स ओहो की सॉक्सेस पहनते हैं, स्पेशली मेन के लिए। प्रीमियम ब्रांड है मेन के लिए, मतलब सिर्फ यही नहीं है, ये तो शायद जैस्मिन ने 8 कलर्स ऑर्डर किए हैं। हाँ। जब हमने इसमें देखा और भी बहुत सारे डिजाइन्स हैं, बहुत सारे कलर्स हैं, अभी सॉक्सेस बहुत प्यारी हैं। उदय इज वेरी हैप्पी कि दीदी ने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया, और दीदी के लिए वो गिफ्ट प्लान कर रहा है, क्या प्लान कर रहा है मुझे नहीं पता। सरप्राइज सरप्राइज आ रहा है, वो अगले साल तक पहुंच जाए। हर साल इसके बहाने होते हैं, उसके प्रोटोटाइप्स बनना शुरू हो गए हैं। यूनिक क्यों नहीं लग रहा था मुझे? बहुत यूनिक, जो मतलब इंडिया में तो उसको आने में 5-6 साल लगने थे। टेस्ला तो आ चुकी है इंडिया में। अगर आप भी ऐसी ही सॉक्स किसी को गिफ्ट करना चाहते हो या खुद के लिए परचेज करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हैं। हमने अपने लिए डिस्काउंट कूपन भी जनरेट किया था, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। पूरी की पूरी शीशे में घुस जा जैस्मिन। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये मेरा रूम है और मेरा ड्रेसिंग एरिया है, यहाँ पे कब्जा जैस्मिन ने कर लिया है क्योंकि लाइट नहीं थी। मुझे भी तैयार होना है। शफू कुछ नहीं बोलना, शेकन करना है, चलो शेकन कर दो फिर। शेकन तेरा निशाना भी सही नहीं लगता। और उधर से मम्मा चाय लेके आते हुए, आपके सुपुत्र जिनके लिए आप चाय लेके आए हैं ना वो नहा रहे हैं। कहाँ से खा ली है मेरी बेटी, कौन से एंगल से बताना जरा। गोरी गोरी लग रही है। आज हम दोनों माँ बेटी ब्लैक ब्लैक पहन के जाएंगे। क्या करने जा रहे हैं वैसे जैस्मिन? हम मेरी शॉपिंग क्या, मेरे को सिर्फ रखड़ी शॉपिंग करनी है। आज जैस्मिन रखड़ी शॉपिंग करने जा रही है अपने लिए। बहाना मेरा होता है, करनी खुद ही होती है। तो की है शॉपिंग मैंने नाम से जो की हो बहुत बार। उदय ये बहुत बुरी बात है, पता कितना बुरा है ये। सब लोग रेडी होकर नीचे हैं, आप सबसे लेट आ रहे हो। पानी की बोतल रख ली? पानी की बोतल तो ऐसी रही जैसे पता नहीं कहाँ से हम रेगिस्तान में जा रहे हैं। की बोतल कौन सा बहाने मिलेगी? रखी उसके साथ जॉगिंग करते हैं। It doesn't matter. तो इस टाइप के जो लोग होते हैं वो घर से बाहर पैर रखना नहीं चाहते हैं, तो इनको फोर्सफुली हमें लेके जाना पड़ता है, जैसे कि आज हम इनको लेके जा रहे हैं। हमने राखी का बहाना बनाया कि हमने राखी के लिए कुछ भी परचेज नहीं किया है। वी हैव एन इम्पोर्टेंट टास्क फ्रॉम टुडे, आज से हम मेरा परफेक्ट बर्थडे केक ढूंढने वाले हैं जो पापा लेके देंगे। आप लेके जा रहे हो बर्थडे? बिल्कुल। आप रहने दो, पापा बोलेंगे तेरा ढूंढा हुआ तो मैं नहीं परचेज कर सकता। मैंने तो अपने भाइयों को राखी कोरियर करवा दी थी और उनके पास वो पहुंच भी चुकी है, लेकिन जैस्मिन 10 मिनट के लिए किसी शॉप पे उतरी क्योंकि उसको उदय के लिए अच्छी सी राखी देनी थी। उसने वहां राखी दी और उसके बाद हम चल पड़े शॉपिंग मॉल क्योंकि उदय को जैस्मिन के लिए कुछ गिफ्ट लेना था। कितने बार के अगे क्या बच्चा दिखा रहे पापा सेंटर पे। ये मैं सोच रही हूं ना गाउन टाइप ले लेती हूं। ये देख इधर आ जैस्मिन, कितना प्यारा लग रहा है। स्लीवलेस है तो अच्छा लगेगा, ट्राई तो कर ले। स्लीवलेस नो मम्मा।
पूरी अटेंशन चाहिए। ये देख जैसमिन, हाँ ये वो मिस है, मेरा कपड़ा लेने आई हूँ, मम्मा को मैं खींच के ले गया, फोकस करो तो मेरे पे कितनी ड्रेस लेनी है तुम्हें? एक एक ना बस, ये उठा चल निकलते हैं यहाँ से। ये तो ना लोग लेगी वो आंटी हूँ मैं, सबसे सड़े कलर बताते हैं। आज मैं अपनी शॉपिंग करने नहीं आई हूँ सर, हैव सम पेशेंस। नो मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ। नहीं पता मुझे क्या बोल रहा है, कहता वो शैंडलियर पहन ले, बहुत क्लासिक और जगमगाता हुआ। इसने बोला ग्लिटर भी होना चाहिए पर सिंपल, उम्र की बात कर रहा है, मुझे पता चल गया ग्लिटरी भी है। हाँ समझ गई, टाइल्स भी देखनी है उदय, आज तो मैं टाइल लेके मेरे स्टूडेंट। ओके आईज का और सॉक्स का इतना कलेक्शन का इसको शौक है लड़के को। 36 ट्राई कर लेना एक बार, साइज कंफर्म हो जाएगा। वैसे भी एक बार मेरे कहने से विदाउट स्लीव भी ट्राई करके देख, बहुत अच्छा लगेगा। रख ले, ट्राई कर ले, एक्सेसरीज बाद में देख लेना बेटा। चल मेरे बच्चा, चल 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 मेरे बच्चा, चल हाँ ये ले ले, तेरा भाई तेरी हेल्प कर रहा है, देख ले। बाल सेट करने जा रहा हूँ, मेरे बाल सेट होने हैं, किसी को लेना तो लेना। सेट तो है बाल, कैसे सेट होने और? मैं सेट करे भी नहीं अपने बाल, गीले थे ही, मैं ऐसे चल के आ गया। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है जो एक्स्ट्रा स्मॉल उठा के ले आया। एक्स्ट्रा स्मॉल है ये? एक बार जो फिट होगी दूसरी आई नहीं, ये भी ठीक लग रहा है। सुनना कितना है ये? तो ये फिटिंग हो जाएगा उससे? मीडियम लार्ज दोनों लेना। गुड, माय चॉइस इज ऑलवेज गुड। कहता पूरा पूरा आ रहा तेरे को, ये टिप्पणी कोई टिप्पणी नहीं, कोई टिप्पणी नहीं। पिंक वाला भी पहन के देख ले, नहीं अच्छा लग रहा ये वाला या वो वाला? जो तेरा मन करता ठीक है वो ले ले, तेरा भाई चला रहा है। कार में आके बोल रहा है पैसे दे देना, ठीक है मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने बड़ी जल्दी फाइनल कर लिया, सबसे तेरा भाई दिला रहा है बिल्कुल। अपनी बड़ी से 20% ऑफ मैंने नहीं मांगा। चिंता क्यों करती है, एक दिन तेरा भाई तेरे को सच में दिलाएगा। पर उससे पहले मैं दिलाऊंगा, बहुत दिलाना बाहर से। गाइस स्टोरी चेक, मुझे फॉलो नहीं कर रहा था, कर लो क्या ऐसा कुछ ले लो बहुत देवे, जैसे वो कोट है और साथ में शॉर्ट्स और स्कर्ट और ऊपर ये लॉन्ग कोट और साथ में क्रॉप टॉप। अब हम पहुंच गए हैं फूड कोर्ट, जहाँ की खुशबू बच्चों को घर से भगा के ले आती है। देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, आप लोग फील नहीं कर सकते, बता रही है। सर क्या खाओगे? कुछ नहीं, इधर से आ जाओ, इधर से। टैगियो से खुला हो और उधर टैगियो से खा के ना जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। कुछ नहीं, टैगियो से का फैन है ये, इसने उससे कोई क्वेश्चन पूछा, इसने पूछा ऐसा था कि ये बोल सके उससे। पता है इसके साथ बोली, फिर पांच लाइन इसने अपनी बोली, फिर वो हंसने लग गया, कहता हाँ सर आपको पता है हमारे बारे में। अपने भाई को फ्रोजन योगर्ट राखी पे, फ्रोजन योगर्ट यार, मेरे को आइसक्रीम खानी, बहुत स्वाद है, मेरे को आइसक्रीम खानी, जल्दी खाओ कभी। पापा बिल्कुल चुप साइलेंट हो गए, सुन रहे हैं लोग बक बक, ये क्या मैंने दो बक बक करना मेरे पैदा कर दिए हैं, बस अब ये लग रहते हैं साथ। अपने आप अपने आप ही जवाब, पापा का कनेक्शन है ऐसे, मेरे को पता पापा का आंसर, आपको इतने साल से जानती हूँ, हो गया इतने पैदा होते तुम्हें जानना शुरू कर दिया था। तो अभी यहाँ बैठे बैठे जैस्मिन का बीकॉम फाइनल का रिजल्ट आ चुका है, 85%। थैंक यू। पेट भरा नहीं तुम लोगों का? पेट भरा नहीं तुम लोगों का? हॉल में भी आते हैं तो भी मेरे हस्बैंड जो है वो बताते रहते हैं, ये वाली शॉप जो है वो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी, ये वाली गलत है, ये इस जगह पे नहीं होनी चाहिए, ये उस जगह पे होनी चाहिए। अगर ऊपर है और कोई यहाँ बना देगा तो वैसे नहीं चलेगा ना वो। तो यहाँ पे एक बार खुला है तो ये सजेस्ट करेंगे ये बार जो है वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसको फूड कोर्ट के साथ होना चाहिए। एक्सक्यूज मी,
इतना फुटेज लेती है ना ये लड़की, देखी नहीं और मीडिया वाले आ गए इतना फुटेज लेती है ना ये लड़की, इतनी फुटेज लेती है। मैं इसको शूट कर रही हूँ और ये खुद सामने आ रही है। ओह माय गॉड जैस्मिन, ओए दिमाग खराब है, चलो आओ चढ़ा के इसको बिठा रहे, इसको फोटो ही लेनी है। बाहर कैसा है ये तेरे को पता है? दो डार्क चॉकलेट बड़ी वाली और ये दे देना दो बड़े वाले। बच्चों को राखी पे चॉकलेट चीज केक खाना है तो सोचा उसका सामान भी लेती चलूं। एक और सब्सक्राइबर हम बना के जा रहे हैं यहाँ पे। ये क्या बना के रखा है हाल, क्या हो रहा है भाई? खुद की स्टोरी इंस्टाग्राम स्टोरी सोबर देख रही है? हर इंसान ये करता होगा, मैं तो नहीं करती। स्टॉप इट, बस स्टॉप इट। अच्छा हाँ, इलॉन मस्क ने कहा है, सीरियसली सुना ध्यान से, कि इससे मेरा फ्यूचर बन सकता है। ओके, इलॉन मस्क ने कहा है डू नॉट कंफ्यूज स्कूलिंग विद एजुकेशन। ओके, बिकॉज आई डिडंट गो टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, द पीपल That work for me did. बंदा हाई स्कूल ग्रेजुएट है और आज वो बिलियनर है। जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए हैं वो उसके लिए काम करते हैं, जो टॉप वर्ल्ड की 4 टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उनमें से वो उसके लिए पढ़कर आए। बिल गेट्स ने भी तो यही बोला था कि मतलब कितने मार्क्स आते हैं वो मैटर नहीं करता, मैं स्कूल और कॉलेज में फेल होता था पर जो टॉप करता है आज वो मेरे लिए काम करता है। सिर्फ मार्क्स मैटर नहीं है, कितनी नॉलेज है वो मैटर करती है। वो तो है ही। बच्चों के रूम में एक बार आ जाऊं तो उनकी गप्पे नॉन स्टॉप चलती हैं। चलिए इनको यहीं पे छोड़ते हैं और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।